मध्य प्रदेश की मनावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लुनहेरा बुजुर्ग में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो व डॉक्टर हीरालाल अलावा बैलगाड़ी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां कन्या पूजन किया गया। मंत्री डॉक्टर साधो ने कहा कि 15 साल में अन्नदाता की सुध लेने वाला कोई नहीं था, मजदूर भी हैरान परेशान रहे, दिन रात खून पसीने की मेहनत से किसान फसल उपजाता था लेकिन सही भाव नहीं मिले। कमलनाथ सरकार विजन वाली सरकार है, जनता के भरोसे पर हमेशा खरा उतरती है। इस कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक प्रशासक कुलदीप सिंह बुंदेला, धर्मपुरी विधायक पाची लाल मेढा, कलेक्टर श्रीकांत बनोट मौजूद रहे। इस योजना के अंतर्गत 2908 किसानों का 20,52,00,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया। पहले चरण में मनावर विधानसभा के 8719 किसानों को 32,19,00,000 रुपए का कर्ज माफ हो चुका है। मंत्री डॉक्टर साधो कार्यक्रम में सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में देश व प्रदेश में कितने किसानों ने आत्महत्या की है, इन हालतों को देखते हुए प्रदेश किसान जय किसान फसल ऋण माफी योजना लेकर आई, जिसके तहत जिले में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कालातीत और चालू खाता धारकों के 2,00,000 तक के फसल ऋण माफ किए गए। सरकार ने किसानों के दर्द को समझा और बरसों से कर्ज में दबे किसानों के ऋण को माफ किया है। विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि यह सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट। कार्यक्रम और इसके बारे में अब विस्तृत जानकारी। आज का कार्यक्रम 18 फरवरी को ये किसान कर्ज माफी का जो मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी बड़ी योजना है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना, जिसमें हमारे विधानसभा का जो दूसरा चरण का ये आज का कार्यक्रम रखा हुआ था, और इस दूसरे चरण में 2,908 किसानों का यहाँ पर 20,52,00,000 रुपए का कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ में आज यहाँ पटेल जो ग्रामीण क्षेत्रों के पटेल व्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमने समस्त पटेलों को सम्मानित किया, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, जयस युवाओं को सम्मानित किया और वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने पिछले 15 साल में बीजेपी शासनकाल के दौरान संघर्ष किया और इस पार्टी को मजबूत बना दिया। सुमित्रा महाजन ताई एक बयान किया कि सिंधिया जी और कमलनाथ जी बहुत अच्छे अनुभव समझदार नेता है और दोनों में कोई भेदभाव नहीं। इस बयान पर बीजेपी ने बड़ी खुनबली बच गई। क्या कहा? ये तो जिनने बयान दिए उनसे अगर आप पूछेंगे तो बेहतर होगा, और जिनमें खलबली मची हुई है हम तो अपना कर देंगे, उनका कर देंगे कि उनमें कितनी खलबली मची हुई है। दूसरों के घरों पर वो जाते हैं, हम लोग को आदत नहीं है। पर मैम, जो रोड वाला जो बयान था सिंधिया जी का उसको लेकर काफ़ी हलचल है, आपका क्या व्यक्तिगत विचार है इस पर? देखो, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर लोकतंत्र है और हर व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अपनी बात कहने का अधिकार है, और कहीं ना कहीं कोई नेता अगर कोई बोलता है तो अच्छी बात है कि प्रजातांत्रिक पार्टी। दीदी, एक प्रश्न ये, प्रियंका गांधी को राज्यसभा में जाने के लिए सारे कैबिनेट मंत्री उतर गए, हाँ आपकी क्या राय? हमारे नेता हैं प्रियंका जी और उनके परिवार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक कि अपनी जाने भी दी, और मैं समझती हूँ कि अगर प्रियंका जी राष्ट्रपति के अंदर आती हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, क्योंकि उनका रीज़न है, उनकी सोच है और देश के प्रति उनके परिवार ने किया, उनके मन में सबसे जज्बा है कि यहाँ के गरीबों और SC ST के लोगों का और अन्य लोगों का हमेशा विकास चाहते हैं। उनके भाषण में भी आपको सुना होगा कि हमेशा उन्होंने इस देश की और उनके अगर आने से राज्यसभा में एक प्लेटफॉर्म मिलता है उसमें मुझे तो बहुत खुश होगा। अच्छा, धन्यवाद। ट्रेन में भगवान शिव के लिए रिजर्व सीट रखी गई थी, हरी झंडी दिखाई गई थी मोदी जी ने उसको लेकर ओवैसी ने हमला बोला है, संत समाज उसका विरोध कर रहा है, क्या लगता है जो व्यवस्था की गई आपकी नज़र में कहाँ तक कितनी सही थी, क्या ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, ये सर्व धर्म संभाव का देश है, हर धर्म हर जाति को यहाँ बराबरी का अधिकार है। हमारे संविधानिक हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी थी उसमें चाहे ऊँच हो चाहे नीच हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबको अधिकार समान रूप से दिया। सर्वधर्म सम्मान वाला ये देश है, हर धर्म का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकारें बनी हर धर्म का यहाँ पर बराबर सम्मान किया गया है, और मैं समझती हूँ कि जो आज की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया था इस देश का उस आधार पर ही चल रही है, और जब विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है
इसलिए इस तरह की गतिविधियाँ इस देश के अंदर करती है। अच्छा, जिला जिला बनाने की मांग उठ रही है धार मनावर को, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या संभव हो पाएगा इस सरकार में? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।